नमस्कार वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज वेलकम सिस्टर ओम शांति ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति थैंक यू सो मच सिस्टर कुछ एक क्लास के बारे में पढ़ना चाहूंगा समथिंग वेरी क्लासी। इट सेज हैविंग क्लास इज द एबिलिटी टू वॉक अवे फ्रॉम अ बैड सिचुएशन विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड फॉरगिवनेस

वहां से उठ कर जा रहे है वो तो वैसे भी मीनिंग नहीं है उसका वॉक अवे मीन्स उस परिस्थिति का सामना जो हम कर रहे हैं जो भी परिस्थिति है वॉक अवे मीन हम उस परिस्थिति को छोड़ के चले जा रहे हैं विद स्माइल ऑन द फेस वॉक अवे फ्रॉम द ऑफ योर माइंड वॉक अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस एंड ऑल्सो वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन मीन्स जो सिचुएशन को हमने फेस करना है ना उसको तो उसको खत्म करके वी हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सीन नाउ ये नहीं कि वो सीन लंबा चले एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन पूरा होने के बाद हमारे चित्त पर रहे आज हम सिचुएशन से वॉक अवे तो कर सकते हैं उस टाइम स्माइल भी कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं हो गया ठीक हो जाएगा भूल जाओ लेकिन डज इट कीप अ स्माइल ऑन माई फेस मतलब क्या ये मेरे मन से चित से साफ हुआ क्या मैंने अंदर से जो उसने कहा फिवनेस इन योर हार्ट क्या मैंने चित से क्षमा करके अपने को दूसरे को उस बात को क्लीन किया देन आई हैव फेस्ड सिचुएशन इन द राइट वे अदरवाइज सीन पूरा हुआ सीन्स तो पूरे होते ही जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक सीन लेकिन वो मेरे चित्त पर अगर रह गया सीन तो सीन पूरा नहीं हुआ यू you नो know, सामने पूरा हो गया लेकिन यहाँ अगर दर्द रह गया तो सीन पूरा नहीं हुआ नॉट वॉक अवे बिकॉज द सीन स्टिल रिमेंस विद यू वो अभी भी है एंड समय प्रति समय आप वापस उस सीन को रिवाइंड करते जाएंगे चाहे मन में चाहे कॉन्वर्सेशंस में तो फिर वो सीन जो पूरा हो चुका था वो सीन फिर प्रेजेंट में आ जाएगा नेवर है सो वीव नॉट वॉक्ड अवे फ्रॉम द सीन इट्स स्टिल कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड हम प्रेजेंट को कई बार वही क्वालिटी का बना देते हैं जो पास्ट की क्वालिटी थी अब ये पास्ट साल पहले की बात हो सकती है कुछ दिनों के पहले की बात हो सकती है कुछ क्षणों के पहले की बात हो सकती है रिजॉल्व एंड फिनिश एंड दैट्स व्हाई इट सेस वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन मींस उस बात को खत्म करके क्षमा करके पूरी तरह से उस चैप्टर को क्लोज करके अगर हम चलेंगे देन वी विल ट्रैवल लाइट अदरवाइज बहुत सारे चैप्टर्स ऊपर मन और चित पे खुले हुए पड़े हुए हैं ऐसी सिचुएशन में

परिस्थिति का सामना करने की सामना करना फेस करना मतलब सामना विद रॉयल्टी विद क्लास ना सामना विद डिग्निटी सामना विद प्योरिटी सामना विद पावर सामना करेंगे सामना करेंगे मींस लड़ेंगे नहीं सामना करेंगे मींस फेस करेंगे सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे सामना ना मीन्स लड़ेंगे सामना ना मीन्स रूठेंगे सामना मीन्स उसको सॉल्व करेंगे डिफेंस का शब्द यहाँ नहीं आएगा डिफेंस मीनिंग डिफेंस कोई ऑफेंस है कर रहा है तो मैं डिफेंस कर रहा हूँ सामना कर रहा हूँ या वापस झगड़ा कर रहा हूँ अगर एक सीन में वापस झगड़ा फिर वहाँ से वापस झगड़ा फिर वापस झगड़ा तो सामना क्या किया परिस्थिति का परिस्थिति का सामना करना और परिस्थिति में उलझना दो चीजें अलग अलग हैं आप देखो जब हम कोई आ, किसी को देख रहे हैं हम नहीं है उस सिचुएशन में कोई और उस सिचुएशन में है और हम देखते हैं कि उस सिचुएशन को वो कैसे क्रॉस करते हैं हम साक्षी हैं। वी आर नथिंग टू डू विद द सिचुएशन वी आर नथिंग टू डू विद द पर्सन हम सिर्फ साक्षी होकर देख रहे हैं तो हम क्या कहते हैं इन्होंने इस बात का सामना ना बहुत अच्छे से किया कहते जब हम कहते हैं इन्होंने इस बात का सामना मतलब ये जो इनके जीवन में परिस्थिति आई थी उसको हम उसको हम लोग कहते हैं किया, 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 अच्छी मतलब अच्छे से किया किसको कहेंगे किसको आप कहेंगे कि डिग्निटी से. से किया अब डिग्निटी भी किसको कहेंगे डिग्निटी से किया तो रॉयल्टी भी किसको कहेंगे

फिजिकल करते हैं कि वी वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन वी वॉक अवे फ्रॉम पीपल सम पीपल वी वॉक अवे फॉर लाइफ कि हम जीवन में इनसे फिर कभी बात नहीं करेंगे लेकिन वो चित्त पे से नहीं फिनिश हुए तो वो पास्ट अभी खत्म नहीं हुआ तो क्या हमने डिग्निटी और रॉयल्टी से क्रॉस किया उस सिचुएशन को राज हमें सिखाता है कि वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्फ्स कि हम जीवन में आने वाली हर सीन को क्योंकि सीन्स तो आएंगी आती रहेंगी कई बार भाई बहने कहते इतना मेडिटेशन किया इतना ये करते फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए बट आप जब पढ़ के सुनाती है मुरली हाँ? तो बड़ा अच्छा शब्द आता है पेपर तो आना ही है पेपर तो आना ही है क्यों पेपर आना है अब वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्यों पेपर आना है हो नहीं हो, वो टेस्ट है ही नहीं हाँ? वो टेस्ट थोड़ी है कोई बैठ कर ऊपर से मैं पेपर समझ रहा था एग्जाम नहीं नहीं कोई ऊपर से बैठ के टेस्ट बना के थोड़ी हमें भेज रहा है टेस्टिंग माय ओन सेल्फ बट व्हाई हाउ इज द सिचुएशन कमिंग व्हाई इज द सिचुएशन कमिंग अब जैसे मैंने गलत शॉट मारा गोल्फ में बंकर में चले गया मिट्टी में हैजर्ड उधर ऐसी तकलीफ वाली जगह पे वहां से कैसे निकलता वो तो स्किल है वो ठीक है लेकिन वो बंकर में गया क्यों? रॉन्ग शॉट सिंपल अब हमने रॉन्ग शॉट कब मारा था जिसकी सिचुएशन आज आ जा रही है पास में दिस इज इट तो ये कोई टेस्ट नहीं है ये कोई और हमारे लिए okay, टेस्ट actually नहीं है रिजल्ट है ये कॉन्सिक्वेंस है yes, ये एक रिजल्ट है इट्स रिजल्ट ऑफ अ पास्ट कनेक्शन एंड नाउ एग्जाम मीन्स कि हम इस बार उसको कैसे क्रॉस करेंगे ये नहीं है कि वो सिचुएशन कोई एग्जाम बनकर आई है सिचुएशन हमें टेस्ट करने नहीं आती है सिचुएशन तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास्ट कर्म का रिजल्ट है अब मैं क्या करता अब मैं क्या करूँगा ये मेरा एग्जाम है कि इस बार मैं पास होता हूँ या फेल होता हूँ पास्ट का क्या आया जस्ट डज एन मैटर यू नो कई बार हम उससे गिल्ट में चले जाते हैं पता नहीं मैंने क्या किया था इसलिए ऐसा आया मैं इतना बुरा किया था इसलिए मेरे साथ इतना बुरा हुआ दैट्स ओवर द पास्ट कर्मा वॉट इज इन फ्रंट ऑफ मी टूडे कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पास्ट कर्मा एंड उस कॉन्सिक्वेंस को भी हम जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं और जितना चाहे उसको छोटा कर सकते हैं वो चॉइस भी हमारी है दिस वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि ये बात मेरे सामने आई क्यों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जैसे आपने कहा कि हमने मैंने रॉन्ग शॉट मारा hmm. तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे गया ना एक्सेप्टेड है वो हाँ लेकिन वो बॉल बंकर में जाए ये हमारे लिए सही तो नहीं है ना नहीं आई वांटेड ओवर ओवर द द बंकर बंकर वेरी गुड तो आपका एम ऑब्जेक्टिव है कि बॉल जाए ओवर द बंकर ठीक है सो दैट्स द व्हाट वी वांट इन लाइफ कि हम जीवन में क्या चाहते हैं हर्डल के ऊपर से हर्डल के ऊपर से जाए लेकिन जो हर्डल है वो आया क्यों जीवन में क्योंकि हमने पिछला शॉट गलत मारा इज माइंडो ओके इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम अभी अपना अगला शॉट मारने वाले हैं तब तो हमें ये याद रखना पड़ेगा ना कि ये पिछला गलत शॉट की वजह से यह हर्डल आया अब इस हर्डल को क्रॉस करते समय एक और गलत शॉट तो ना मारते है इतना ही तो सिर्फ ध्यान रखना है पर गलत कब कि मैं बंकर में क्यों गया मैं हमेशा खराब खेलता हूं मुझे कैडी ने गलत क्लब दे दिया आई विश आईड डन दिस और वो सब सोच के से उससे और ज्यादा रॉंग भी आ सकता है क्या? ये बंकर बीच में आया कैसे ये यहाँ रखा किसने ये परिस्थिति मेरी जीवन में आई क्यों और ये व्यक्ति इस परिस्थिति का कारण है मेरी गलती नहीं तो मैंने इस बार भी एक फिर से रॉन्ग शॉट मार देना है बस यही तो ध्यान रखना है फेसिंग अ सिचुएशन वाई डिड सिचुएशन कम वी नो आंसर। कि ये मेरे पास इसलिए आया पिछली बार रॉन्ग शॉट। hmm. कोई बात नहीं पिछली बार का तो पिछली बार अब हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन सिर्फ इतना याद रहना भी कि ये पिछली बार का रॉन्ग शॉट था मुझे एक वार्निंग तो देगा ना मुझे एक अटेंशन तो देगा ना कि इस बार तो राइट right शॉट मारो ना अगर इतनी नॉलेज मिलने के बाद कि ये पिछली बार के रॉन्ग शॉट का कॉन्सिक्वेंस है इस बार फिर से रॉन्ग शॉट मारा देन वी आर नॉट यूजिंग ज्ञान देन वी आर नॉट फेसिंग द सिचुएशन इन द राइट वे सिचुएशन क्यों आई मैटर इतनी बड़ी क्यों आई मैटर किसकी वजह से आई डजेंट मैटर इस बार का शॉट कैसा होना चाहिए कई बार अंदर वाला बोलता है कि मत बोल मत बोल हम बोल हम देते हैं इसी तरह कई बार कैडी बोलता है सब एक क्लब एक्स्ट्रा ले लो थोड़ा ज्यादा दूर चला right. तुम करो। ah. किसी से भी मिले अब ये भी तो ज्ञान ही मिल रहा था ना hmm. तो जब हमें ज्ञान मिले उस समय उसको चेक करके इज इट राइट ये मेरे लिए सही है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको यूज करना शुरू करना है जीवन में ऑब्स्टिकल्स जिसको हम ऑब्स्टिकल्स कहते हैं विघन कहते हैं आपने कहा पेपर कहते हैं एग्जाम कहते हैं ये तो आएंगे आते रहेंगे हो सकता है आने वाले समय में बढ़ भी जाए क्योंकि सिचुएशंस इन द वर्ल्ड आर चेंजिंग तो चैलेंजेस बढ़ भी सकते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है जब ये ऑब्स्टिकल मेरे जीवन में आए हम इस ऑब्स्टिकल को अगर एक ऑब्स्टिकल समझते हैं यू ना जैसे आपने कहा जैसे आप सपोज Uh, हम यहाँ से चल के जा रहे हैं ठीक है और ये सामने एक पेड़ है अब एक स्मूथ सीधी सड़क पर हम स्मूथ सीधा चलना चाहते हैं अब ये बीच में पेड़ कहां से आ गया? लुक्स लाइक एन ऑब्स्टिकल ऑन दैट पाथ कि मेरे को सीधा चलना था ये विघन बीच में कहाँ से आ गया तो हमें लगता है दिस ट्री ये वृक्ष मेरे रास्ते का ऑब्स्टिकल है mm. तो कई बार हम उस वृक्ष के सामने खड़े होकर एक तो उस वृक्ष को कोसते रहते हैं mm. फिर कई बार कोशिश करते हैं कि इस वृक्ष को हम उखाड़ लें कि ये विघ्न मेरे जीवन से हट जाए जस्ट द अदर डे आई रेड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन इट्स लाइक अ मंत्र विच आई ट्राई टू रिमेम्बर वॉट्स इन द वे इज द वे ब्यूटिफुल What's in the way is the way. Yes, मतलब ये जो वृक्ष आपको बीच में रास्ते में दिख रहा है जो आपको लगता है ये आपके रास्ते के बीच में आ चुका है ये वृक्ष रिलेशनशिप में भी यस yes. हो सकता है ये लोग हो सकते हैं। लाइफ के बिजनेस के अंदर घर में हर जगह ये वृक्ष कई बार मेरी सेहत भी हो सकती है डाइवर्शन ले लो लेकिन जो हम डाइवर्जन ले रहे हैं दैट इज वे दिस लाइन इज वेरी ब्यूटिफुल व्हाट्स इन द वे इज द वे हमें क्या लगा हमारा रास्ता ऐसे था सीधा दैट वॉज माई जर्नी ये विघन बीच में आया और ये लाइन कि वॉट्स इन द वे इज द वे मतलब मुझे याद दिलाती है कि आपका रास्ता ऐसे था ही नहीं आपका रास्ता ऐसे था सो आई एम नॉट रियली मेकिंग अ डाइवर्जन आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग माई वे वॉज ओनली सपोज टू बी लाइक दिस देखो सीधी लाइन है एक ठीक है हमने सोचा मेरा जीवन एक सीधी लाइन है जिसमें ये ऑब्स्टिकल आया लेकिन ये लाइन हमें सिखाती है आपकी ये जीवन की लाइन ऐसी थी नहीं आपकी जीवन की लाइन थी ऐसे और फिर यहाँ पर आके ऐसे टर्न करके फिर ऐसे जाना आपने सोचा कि आपकी जीवन की लाइन कैसी है line. सीधी है और फिर जो जो बीच में खड़े हुए दिखे आपने कहा ये मेरे जीवन का ऑब्स्टिकल है ऑब्स्टिकल को हटा दो बी कांट वी कान रिमूव ऑब्स्टिकल वी कॉन्ट रिमूव पीपल वी कान चेंज दम वी कान चेंज सिचुएशंस वी हैव टू डू दिस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो बहुत ईजी हो जाता है जब ये याद रहेगा कि यह है भी क्यों अब अगर हमें यह याद आए कि ये वृक्ष आज मेरे जीवन में है क्यों क्योंकि कुछ साल पहले मैंने ही इसको बोया था यहाँ पर यह मेरा लगाया हुआ वृक्ष है तब हम ये नहीं कहेंगे ये वृक्ष रास्ते में बीच में क्यों आया कहेंगे ये तो वृक्ष मैंने ही लगाया था यहाँ पे तो ये यहाँ पे ही तो होना था और कहाँ हो सकता है ये वृक्ष कई बार घर में कोई चीज स्टूल बीच में रख के मैं गलती से रात को डिनर में सो जाता हूँ तो सुबह सुबह अंधेरे में लाइट खोले में मैं I yes, खाता हूं। see? और फिर बोलता हूँ अरे ये तो मैंने ही रात को रखा था तब गुस्सा नहीं आता अगर आप सिर्फ सुबह उठे और आपने देखा कि वो स्टूल बीच में है और आपका पैर उस पर लगे तो इमीडिएट रिएक्शन क्या आएगा गुस्सा नाराजगी स्टाफ को कर्सिंग दे मुल समझ में नहीं आता कैसे कैसे लोग रखा हो। घर के लोगों ने रखा हो तो उनको डांट भी सकते हैं हम इमीडिएटली, बहुत कुछ एक टर्म क्रिएट हो जाएगा फिर धीरे से आके कोई कान में कहेगा सर आपने रखा था रात को खाना खाने के बाद एक क्षण में उसी सेकंड रिएक्शन चेंज हो जाएगा ना सारा वो ही सीन वो ही ऑब्स्टिकल चोट, चोट uh -huh. मैंने ही वो स्टूल रखा था तो मेरा रिएक्शन बंद हो जाएगा और अब मैं चोट को ठीक करने पे वर्क करूंगा दैट इज ओके दैट्स फाइन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मैं अगले दिन रात को ध्यान से उस टूल को वहां नहीं रखूंगा जहाँ चोट लगने का चांस है दिस इज द जर्नी ऑफ माई लाइफ दिस इज पावर टू फेस सिचुएशन जब हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो चीजें हमारे जीवन में बीच में आ रही हैं, ये हमारी रखी हुई हैं दिस इज दिस इज द वे एंड दैट टू आई क्रिएटेड दिस वे अब दिस इज भी क्यों मैंने ही बनाया बनाया था वो इस सीन को अब हमेशा याद रखें कि अगर हमें किसी व्यक्ति के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है क्यों कर रहा है क्यों कर रहा है तो वो इस स्टूल को याद रखना कि धीरे से आके कोई कान में कहे या अपने आप को धीरे से कहे ये इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है क्योंकि मैंने ही इसको ऐसे करने के लिए ऐसा बनाया था ये सीख तो मेरी लाइफ हो जाए पर है तो बिल्कुल उतने स्टूल जैसी बात ही ना कि स्टूल रात को मैंने रखा सुबह याद नहीं था तो रिएक्ट किया जैसे याद आया रिएक्शन बंद फुल स्टॉप सेकंड में बंद होता है ना हम क्या कहते हैं एकदम से अच्छा मैंने रखा था अच्छा इट्स फुल स्टॉप नो शाउटिंग नो गेटिंग एंग्री नो डूइंग एनीथिंग एंड फिर हीलिंग द वो नो शाउटिंग नो गेटिंग एंग्री तक तो मैं आ सकता हूँ लेकिन फिर आप कहेंगे उसको प्यार भी करो वो नहीं होगा स्टूल को सही जगह पे रखेंगे रिश्ते को भी सही जगह पे रखना पड़ेगा मतलब अभी आप कह रहे हैं स्टूल को हटाना इजी है लेकिन लोगों को हम अच्छा नहीं उनके लिए सोच सकते ना उसके बाद आपने कहा हम उनको प्यार नहीं भेज सकते प्यार हम, नहीं कर सकते हम, हम वो भी नहीं करेंगे नफरत भी नहीं करेंगे हाँ। हम नफरत भी नहीं करेंगे हाँ। बस हम अगर नफरत भी ना करें ना मतलब नफरत भी ना करें इन करेंस एक इग्नोर करेंगे थोड़ा सा फिर कैसे सोल्यूशन आएगा थोड़ा सा हो जाता ना इग्नोर अगर फिर सी अगेन वी सॉ लास्ट टाइम कि जरूरी नहीं है हमें बहुत ज्यादा हर एक के साथ रिश्ता बहुत ज्यादा बातें बहुत ज्यादा मिलना है लेकिन अंदर उनके प्रति एक होता है इग्नोर इन देंस दे मेरी इनसे नहीं बनती इनको इग्नोर करो मैं ज्यादा नहीं इनसे बात करता नहीं मेरी इनसे इतनी चीज़ों में इतने प्यार से चलता है उतना मुझे प्यार से इनके साथ चलना है मैं वाइब्रेशन टू तो गो राइट टू द पर्सन या बट व्हेन आई कीप दैट दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस जब मैं रखता हूँ कि कि इसको लास्ट टाइम इसने मुझे ऐसे बोल दिया था दोबारा इसको ज्यादा नहीं कुछ बोलू उसको एक लिमिट तक हाँ कैसे हो इतना ही पूछूं yeah. तो उसमें क्या होता है मैं बहुत आर्टिफिशियल हो जाता हूँ क्योंकि अंदर, नहीं हो रहा ना चेंज मैं अपने अंदर उनके प्रति कुछ नेगेटिव पकड़ के नहीं रखू उनका वो हील करेंगे वी तो कांट हील एनी बड़ी लेकिन कम तो कम उलझ नेवर माइंड दैट्स ऑल्सो फाइन लेकिन इनडिफरेंस या इग्नोर नॉट विद नेगेटिव एनर्जी इन मेरी हर थॉट की मुझे चेक ऐसे रिश्तों में ऐसे कार्मिक अकाउंट में मुझे बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि हम उनके लिए कैसा सोच रहे हैं कहीं फिर कुछ गलत तो नहीं सोच रहे उनके लिए मैंने से ट्राई किया तो मेरी वाइफ ने बोला आज आप इतना खामोश खामोश क्यों हैं तो बोला नहीं भाई ज्यादा मैं बोलता हूँ तो मुझसे गलतियाँ हो जाती है और कई लोगों को बुरा लग जाता है हाँ, तो फिर वो तो फोर्स फोर्सफुल हुआ ना आउटवर्डली इंटरनल चेंज नहीं है इंटरनल चेंज एक्सट्रीम हो रहा है जर्नी में क्या होता है जर्नी ये थोड़ी आज शुरू हुई कल खत्म जर्नी जर्नी ऑफ लाइफ हम एक एक संस्कार तो इतना कुछ तो अवेयर हो रहे हैं पहले तो देखते भी ना ये सब आज सुबह की बात देखिए देखिये इतनी इम्प्रूवमेंट है आपके होमवर्क से कि वो जब गाड़ी में आप बैठी तो जो हमको लेने आया किसी को गुड मॉर्निंग बोल के यूर लुकिंग डल टूडे बोला और आपने मुस्कुरा दिया और मेरे अंदर बार बार है कि मैं उसको सिखाऊं कि किसी को डल बोलते हो तुम हॉस्पिटैलिटी के में हो कोई खराब दिखे तो भी अच्छा बोलो स्माइल करो बोले यू लुकिंग नाइस झूठ तो बोलो हाँ। इतना सब मन में चला नो no, हाँ। आप चुप रहेंगे हाँ। तो मेरे अंदर वाले को और ने बोला कि चुप करा डिफिकल्ट हाँ। तो, तो, तो नहीं था ना मैं अच्छा लगा चुप रहा उसको क्या सिखाऊ सिंपल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है दूसरे को जैसा दिखा जो लगा उसने बोला इट्स ओके अपने अंदर पकड़ के भी नहीं रखना है इन चीजों को हरेक का नजरिया है हरेक का दृष्टिकोण है हरेक अपना ओपिनियन देगा इट्स ओके okay. हम एक के ओपिनियन को इतना पर्सनली लेकर अफेक्ट नहीं हो सकता मेरा मेरा पर्सनल कहने का सोचने का तरीका यह है कि मैं कभी किसी का वेट बढ़ गया तो भी उसको बोलता हूँ अरे कुछ नहीं होता इसीलिए आप हो चाहते हैं कि दूसरा भी ऐसा हो हाँ वैसा होगा नहीं लेकिन ये होता है ना दिस इज ओनली संस्कार स्वभाव कि जिन चीजों का हम ध्यान रखते हैं हमें लगता है दूसरे भी ध्यान नहीं रखते अच्छा लगता यू 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 ऑन वेट वेट लॉस्ट नॉट लुकिंग नाइस आपको नहीं अच्छा लगता, लगता नहीं। ना लेकिन जरूरी नहीं है ना सबको भी नहीं अच्छा लगेगा वो जरूरी नहीं है ना सबको भी वो बात सही लगेगी ये ही तो एडजस्टमेंट है सारा दिन में आएगी यही वृक्ष है का यही वृक्ष है बीच का हाँ इसको भी कह सकते हैं यही वृक्ष है बीच का और उसमें कुछ भी नहीं है जितना चीज़ों को हल्का छोड़ते अ सारा दिन में जब हम लोगों को भी देखें ना अब सपोज इसको भी आप कहें किसी ने कुछ गलत लाइन कही ये एक एक्ट है मतलब ये एक है सपोज हम अभी न्यूट्रल डिटैच होके देखें और हम कहें ये लाइन सही नहीं थी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जैसा आपने कहा अब लेकिन इस एक्ट को भी इस व्यक्ति से सेपरेट करना है ये हमें सारा दिन करना है राजयोग ये बहुत डीप एक बात हमें सिखाता है परमात्मा कहते हैं कर्म और आत्मा को अलग करो जब आत्मा का ज्ञान समझ में आ गया कि हर आत्मा ओरिजिनली ब्यूटिफुल ठीक है फिर लंबी यात्रा पे अलग अलग कंडीशनिंग अलग अलग सिचुएशंस अलग अलग संस्कार तो हो सकता है इस क्षण उस आत्मा ने गलत शब्द बोला या किसी ने एक गलत व्यवहार किया लेकिन आत्मा गलत नहीं है आत्मा बुरी नहीं है ये सारा दिन सेपरेट करना पड़ता है यहाँ पे कि हाँ इस समय उन्होंने एक गलती कर दी लेकिन बिकॉज कई बार नहीं तो यहाँ हम रजिस्टर क्या कर देते हैं व्यक्ति गलत व्यक्ति बुरा वो जो होल्ड हम करते हैं फिर उस बात को वो बहुत लंबा चलेगा फिर अगली बार जब भी वो मिलेगा अब क्या है अगर आप कहें आत्मा ब्यूटिफुल ये वाली बात गलत ठीक है एनर्जी विल बी डिफरेंट एनर्जी आज से पता नहीं 1980s में पता नहीं रिमेंबर कब लिया था तो वहां अपनी वाइफ को लेके गया था पहली बार देखने के लिए तो जैसे एंटर किया सामने सीधा एक वॉश बेसिन और जो बाथरूम की टाइल्स उन्होंने उसमें रखी हुई थी डाइनिंग हॉल में जहां पर लोग हाँ, मेहमान आते हैं है हाँ. और मैं मेरी वाइफ देखी पूरा बंगला बोले मैं तो इस घर को नहीं खरीदे मैं जा रही हूँ मैंने बोला देखो इन्होंने इसको ठीक से नहीं रखा है ये महल बन सकता है ऊपर से आपको दिख रहा है मैं इसको ठीक करके दिखाऊंगा आपको द हाउस इज ब्यूटिफुल कितना ब्यूटीफुल है ना और उसको मैंने इतना सुंदर वही चीज बनी आज देखिए बस सिंपल अब ये अब आप सारा दिन अगर याद रखें हर आत्मा के लिए तो ये है बहुत सुंदर अभी उन्होंने उसको ठीक से नहीं रखा हुआ थोड़ा सा साफ कर कर लेंगे लेंगे हम ठीक मोस्ट इम्पोर्टेंट हाँ, हम उनको कहा साफ कर लेंगे हम उनको यहां साफ कर लेंगे ये है कई बार हम उनको वहां नहीं साफ कर सकते ना क्योंकि वो उनका जीवन जीने का तरीका है आप राय दे सकते हैं लेकिन फिर भी वो उनका जीवन जीने का तरीका है लेकिन हम उनको यहां रखने से पहले कि हम अपने चित्त पर उनके बारे में क्या स्टोर करके रखेंगे वहां साफ करके रखना ये हमारी चॉइस है। सुबह राय तक नहीं थी उसको कि नेवर सेड डल्ट टू एनीबॉडी लाइक दिस इन द वर्ल्ड। <laughs> राय भी नहीं थी। नहीं कुछ I भी just नहीं बोला। एक्सेप्टेड। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं। निकलो नहीं। काम करते हैं शूटिंग पे। मैं मुझे अपना काम से मतलब डिस्टर्ब होगा यहां। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां जब रजिस्टर करना है वो ध्यान से रजिस्टर करना है क्योंकि बहुत कुछ यहां बैठा होता है चित पर। इसीलिए वो जो लाइन है ना क्लास टू वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन मीन्स फिर वो बात कभी याद ना आए वो मेमोरी या वो तब याद नहीं आएगी अगर उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ अच्छी वाली रखी होगी अगर ये रखी होगी कैसा व्यक्ति है वह ऐसे बोल दिया सुबह सुबह इतना भी नहीं आता तो जब भी वो दिखेगा तब वो बात याद आ जाएगी या जब भी वो कोई और लाइन भी बोलेगा जो इतनी गलत होगी भी नहीं लेकिन हमारा फिल्टर कौन सा वाला होगा जो पुरानी वाली बात रखी थी बट ये तो मैजिक था मैंने एक शब्द नहीं बोला और यहाँ एक सेकंड के लिए भी है हाँ। उसके लिए बुरा नहीं सोचा। तो फिर अब हम नहीं कह सकते ना कि ये डिफिकल्ट है देखो

टूडे यू वॉक शूटिंग भी नहीं कर पा रहे इतना हो फूल हाँ सही बात है <laughs> तो उसने तो सिर्फ बोला आप डल दिख रहे हो हम तो डल हो जाते फिर उसके बाद दिस इज हाउ वी लेट इट अफेक्ट that line लाइन इज सो Walk वॉक अवे विद क्लास फ्रॉम situation. डिग्निटी से रॉयल्टी से हर बार बात हमारे ऊपर हावी हो गई हम डल हो गए हम नाराज़ हो गए हम उदास हो गए तो फिर डिग्निटी कहाँ रही फिर हमारी रॉयल्टी कहाँ रही रॉयल मतलब वो जो ऊँचा होता है है ना हम ही अगर सबके सामने हारते गए हारते गए तो तो हम कितना नीचे गिर जाएंगे इसलिए आज सारा दिन याद रखना है ये विघन विघन नहीं है यही मेरे जीवन का रास्ता है वॉट्स इन द वे इज द वे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको यहाँ लाया भी कौन इस सीन को सामने लाया भी कौन मैं खुद इट्स ओनली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ पास्ट कर्मा गेम का इस बार का शॉट कैसा होना चाहिए परफेक्ट चाहे पहला शॉट कैसे भी था क्योंकि पहले शॉट का रिटर्न ही सामने से आ रहा है इट डजेंट मैटर मेरा इस बार शॉट गलत नहीं, नहीं होना चाहिए ये करके अगर चलेंगे तो हर परिस्थिति को बहुत रॉयल्टी और डिग्निटी से फेस करेंगे थैंक यू सोच ओम शांति एम अ पावरफुल बींग मैं शक्तिशाली आत्मा हूं मैं जो चाहू जो सोचू वो कर सकते हो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं मेरी हर थॉट सही है पीसफुल है स्टेबल है मैं पवित्र आत्मा हूं आई एम अ प्योर सोल एवरी थॉट एवरी वर्ड ब्लेसिंग है मेरा शरीर निरोगी है माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी पवित्रता शांति और शक्ति मेरे शरीर के हर सेल तक पहुंच रही है मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हाईएस्ट है मैं सेफ हूं प्रोटेक्टेड हूं मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं हम यूनाइटेड हैं मेरी जॉब मेरा बिजनेस सेफ है सुरक्षित है सफलता मेरे लिए निश्चित है इस साल मेरी सैलरी मेरा प्रॉफिट अब तक का हाईएस्ट होगा मेरा करियर सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ता जाएगा सफलता मेरे लिए निश्चित है परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल है वाइट गोल्डन लाइट का सर्कल परमात्मा की शक्तियाँ मेरा सुरक्षा कवच है इसके अंदर कुछ भी नहीं घुस सकता नथिंग कैन एंटर माई एनर्जी सर्कल आई एम प्रोटेक्टेड बाई गॉड्स लव एंड पावर्स परमात्मा की शक्तियां मेरे परिवार के अराउंड एक एनर्जी सर्कल है मेरा परिवार सुरक्षित है परमात्मा की शक्तियां इस सृष्टि पर हर एक तक पहुंच रहे हैं गॉड्स पावर इज रीचिंग एवरी सोल ऑन दिस प्लैनेट हरेक आत्मा शक्तिशाली है निडर है सेफ है परमात्मा की शक्तियां इस पूरी सृष्टि के चारों तरफ प्योरिटी का सर्कल है माई वर्ल्ड इज सेफ प्रोटेक्टेड वो चीज जो आई थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है इट्स ओवर फिनिश्ड फॉर एवर हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है हमारी दुनिया परमात्मा की शक्तियों से प्रोटेक्टेड है